शनिवार को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने को लेकर उत्तराखंड से लगती सीमा को सील कर दिया गया। शनिवार को राज्य के कुल्हार बॉर्डर पर पुलिस ने हिमाचल प्रदेश सीमा में प्रवेश कर रहे वाहनों की सघन चेकिंग की और जो वाहन बिना बचाए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे साथ ही संदिग्ध व्यक्ति को उत्तराखंड सीमा से ही वापस कर दिया। दूसरे राज्यों में रह रहे हिमाचली लोगों को मतदान के लिए प्रवेश दिया गया। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर जो लगता है पोटर साहिब बॉर्डर हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे आज इलेक्शन की वजह से जो जितनी भी गाड़ियाँ बाहर से पोर्टा में प्रवेश कर रही है तो उन वाहनों की चेकिंग हो रही, कोई जो है इलीगल सामान वगैरह लेके प्रवेश न करें और जो वहाँ के नागरिक हैं जो इधर से वोट देने जा रहे हैं तो उन लोगों को देखा जा रहा है कि वहीं लोकल के हैं या वोटिंग के लिए जा रहे हैं या जो इधर से कोई यमुनानगर जा रहा है तो उन लोगों से पूछताछ की जा रही है और उन लोगों को जाने दिया जा रहा है। बाकी जो कोई सस्पेक्टेड या इस तरह के कोई है तो उन्हें यहाँ से वापस किया जा रहा है।